श्री सकल बुद्धि बल राशि जय सर्वज्ञ अमर अविनाशी जय 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 वीणा कर धारी करती सदा सुमन। कि बालार्का का भविष्य आप हो और बालार्का एक्चुअली आपके रूप में अपना भविष्य सुधार रही है। अब मैं मंच पे बुलाना चाहता हूँ आप लोगों की बहुत जोरदार तालियां, गड़गड़ाहट तालियां, हल्ला। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत से पहले मैं नमन करता हूं मेरे माता पिता, उस परम पिता परमात्मा को जिन्होंने हम सबको बनाया है। दूसरा नमन करता हूं मैं उस महान शख्सियत को जिसको हम अपनी सफलताओं के पीछे नाम देते हैं और हर एक इंसान की जिंदगी में उसकी सफलता के पीछे एक आशीर्वाद और एक मार्गदर्शन होता है। ऐसा आशीर्वाद और ऐसा मार्गदर्शन मुझे मिला कि जो मेरी जिंदगी कट रही थी उस जिंदगी को जीना सिखा दिया। ऐसा मार्गदर्शन, ऐसा आशीर्वाद मुझे मिला मेरे गुरु, और आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिनके आशीर्वाद से और उनके जिनके मार्गदर्शन से मुझे आज ये सफलता का दौर मिला है। ऐसे महान शख्सियत, ऐसे गुरु को मैं अपने तहे दिल से नमन करता हूँ, मिस्टर अब्दुल समद साहब। आज जो मेरी जिंदगी में जो खुशी के पल रहे हैं उन पलों में ये मेरी खुशी का एक बहुत ही आज भी बहुत बड़ा एक पल है, क्योंकि ऐसे गुरु, ऐसे महान शख्सियत के सामने मुझे आज बोलने का मौका मिल रहा है, या फिर ऐसा समझे कि गुस्ताखी करने जा रहा हूं। अगर इनकी इजाजत हो तो ये गुस्ताखी एक बार जबरदस्त तारी हमारे सर के लिए। थैंक यू, चाहता हूं कि एक बार आप सभी सफल लोगों के लिए, सभी डायमंड्स के लिए एक बार जबरदस्त ताली हो जाए। हमने देखे थे आज इतना बड़ा चमत्कार एक साल में आप लोगों ने, ये सफलता का श्रेय मैं आप सभी लीडर्स को देना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी को, इस बीजीएम को इस मुकाम पर पहुंचाया। मगर दोस्तों आज आप एक बात बताएं, किसी भी कंपनी या संस्थान के उसके सफलतम दौर में क्या केवल एक कंपनी के मालिक की अहम भूमिका होती है क्या? एक समय के लिए एक मालिक जो उस कंपनी की शुरुआत करता है, एक समय के लिए वो समर्पण से उस बिजनेस को स्टार्ट करता है, मगर वास्तव में दोस्तों सच्चाई ये है उस कंपनी या संस्थान को बुलंदियों पर पहुंचाने में, शिखर में पहुंचाने में आप जैसे जिम्मेदार, कमिटेड और वफादार लोगों की वजह से कंपनी आगे बढ़ती है। कंपनी को अनिल जी और पवन जी नहीं चलाएंगे, कंपनी को आप जैसे लोग चलाएंगे। आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जहां मैं ट्रेडिशनल में अपने आपके जीवन को गुजारा था वहां मुझे सिर्फ 10 से 12 लोगों को रोजगार देने का मुझे एक अवसर मिला था। मैंने केवल 10 साल में 15 लोगों से 12 लोगों को मैंने रोजगार दिया था। मगर दोस्तों मेरा सौभाग्य है और मुझे आज इसी चीज पे गर्व है और बहुत बड़ी खुशी भी है दोस्तों कि इस बिजनेस ने मुझे वो दिया है जिसकी जिंदगी में कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, और आप भी अपनी जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि आपके इस डिसीजन से, आपके इस निर्णय से आने वाले भविष्य में आपके द्वारा लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य बदलने जा रहा है। मैं वहां पे 15 लोगों से ज्यादा को रोजगार नहीं दे पाया, मगर आज मेरा सौभाग्य है कि इस बिजनेस के माध्यम से, इस बीजीएम परिवार के माध्यम से आज हजारों लोगों के घरों में सुरक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि पहुंचाने का मुझे मौका मिला है, और मुझे यही चीज आगे रही तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आने वाले 1 से 2 साल में
लाखों लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये BGM करके देगी। दोस्तों आज जितने भी लोग यहां पे आए हुए हैं, मैं सभी आप सभी से एक सिर्फ एक ही चीज आपको मैं यहां पे मांगना चाहता हूं आपसे, और वो चीज है विश्वास, बिलीव। क्या आप अपने जीवन के दो साल, आप अपने जीवन का दो साल का समय क्या आप बड़े विश्वास के साथ आप विजय को दे सकते हैं? Yes! कितने लोग? Yes! एक बार अपने आप के लिए जबरदस्त ताली बजा दें। अब तक भी कुछ लीडर्स हमारे यहां पे ऐसे हैं जो सिर्फ इस बिजनेस को दाल रोटी का सिस्टम समझते हैं और अपने ये बिजनेस दोस्तों दाल रोटी के लिए नहीं बना है। और हमने आज यहां पे जितने भी लोगों को इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए बुलाया है, हमने आप लोगों को ये 5-star होटल में जो यहां पे बुला करके हमने, यानी आप कंपनी की सोच देखें। मैं आपको फिर विश्वास दिलाने जा रहा हूं, आप एक ऐसी कंपनी के साथ, ऐसे लीडर्स के साथ आप जुड़े हुए हैं कि जहां पे उन लोगों की सोच आपसे 100 गुना बड़ी है और वो आपके लिए हमेशा अच्छा करने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारी सोच हमेशा ये रही है कि जो कुछ आज आपको मिला इससे बढ़कर के आपको मिले। हम ये आपकी सोच को डेवलप करने के लिए हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे 5-star होटल में कराया है कि आप अपनी दाल रोटी की सोच से बाहर निकल करके आएं। आप लाइफस्टाइल क्या होती है, जीवन क्या होता है, जिंदगी के जीने के तौर तरीके क्या होते हैं, सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम को सिखाने के लिए, अपने आप की जिंदगी को एनर्जिक बनाने के लिए। हमारे सर कहते हैं कि जिंदगी काटने के लिए नहीं होती, जिंदगी जीने के लिए होती है। जिंदगी एक आइसक्रीम की तरह होती है, टेस्ट करोगे तो भी पिघलनी है और वेस्ट करोगे तो भी पिघलनी है। तो क्या आप अपनी जिंदगी को टेस्ट करके गुजारना चाहते हैं या वेस्ट करके गुजारना चाहते हैं? एक बार अपने आप के लिए जबरदस्त ताली। दोस्तों हम ये चाहते हैं कि यहां से एक आप मैसेज लेकर के जाएं और आप अपनी दाल रोटी के दायरे से बाहर निकल करके आए, क्योंकि ये जिंदगी हमें केवल दाल रोटी के लिए नहीं मिली है। क्योंकि जो परमात्मा ने, सर कहते हैं कि ईश्वर की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना जो ईश्वर ने बनाई है वो इंसान को बनाया है। तो क्या हमारी जिंदगी केवल दाल रोटी से अपनी जिंदगी गुजर जाए, क्या ऐसा चाहते हैं क्या आप लोग? मगर कई लोगों की सोच होती है कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, मगर मेरा कहना है कि गुलाब जामुन खा करके प्रभु के गुण गाना कोई मना ही क्या है? क्यों ना हम गुलाब जामुन खा करके अपनी जिंदगी को गुजारें? क्या चाहते हैं आप ऐसी जिंदगी जीना? क्या चाहते हैं आप ऐसी लाइफस्टाइल जीना? क्या चाहते हैं आपके अपने जीवन के सारे सपने पूरे हो? पक्के दिल से, ईमानदारी से? एक बार जबरदस्त ताली हो जाए आपके लिए। मैं एक रोल अदा करने जा रहा हूं यहां पे, क्योंकि ईश्वर ने जो मुझे ये रोल अदा करने का जो मौका दिया है, मगर दोस्तों ये भी सच्चाई है कि ईश्वर उसी व्यक्ति को वो रोल अदा करता है जिसको रोल को पूरा करने में उस आदमी में काबिलियत होती है। मैं ईश्वर की दया, ईश्वर के द्वारा दिए हुए इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं और मैं आपको पूरे दिल से विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस रोल को अदा करने में मैं अपना तन मन धन सब को समर्पित करके आपको इस रोल के लिए मैं खरा उतर के आपको दिखाऊंगा। और मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा ये मान के चले कि एक मैसेज रहा है, एक छोटी सी मेरी एक कविता है, उस कविता के माध्यम से मैं वो कविता सुना करके मैं अपना ज्यादा समय ना लेते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगा। इस कविता ने मेरी जिंदगी का पूरा सार मुझे दिया है, मेरी जिंदगी को जीने का एक आयाम दिया है और सारी सफलताएं मेरी इसी कविता के अंदर छुपी हुई है। एक दिन मैंने लिया था निर्णय, आम व्यक्ति बनकर मुझको नहीं मरना है, नाच कर सके दुनिया मुझ पर ऐसा काम मुझे करना है। दोस्तों ये दौर आज आपका भी, आज आपके सामने भी आपकी जिंदगी को बदलने के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय आज आपके सामने है कि जितने भी लोग यहां पर आए हैं, पहली इस सफलता के दौर में पहला कदम आपको बढ़ाना है किसकी तरफ? एक निर्णय की तरफ। जब तक आपको यह पता नहीं है कि मेरी मंजिल कहां है, जब तक आपको चलने का कोई मतलब
नहीं है। तो पहले सबसे पहले आप अपना डिसीजन, अपना निर्णय लेकर के यहां पे जाएं कि मुझे वास्तव में जीवन में पाना क्या है, क्योंकि इंसान की सोच उसके भविष्य का निर्माण करती है। तो पहले अपने आप की सोच को बदल करके यहां पे जाएं कि मुझे एक ऐसा निर्णय लेकर के जाना है जिससे आने वाले मेरी 7 पीढ़ियां हैं उनका उद्धार हो जाए। एक दिन मैंने लिया था निर्णय, आम व्यक्ति बनकर मुझको नहीं मरना, नाच कर सके दुनिया मुझ पर ऐसा काम मुझे है करना। एक अवसर को उम्मीद बनाकर, एक अवसर को उम्मीद बनाकर निकल चला विजय पथ पर, एक अवसर को उम्मीद बनाकर निकल चला विजय पथ पर, ताने सुने व्यंग्य सुने पर चलता रहा मैं हिम्मत कर। दोस्तों आपके साथ भी ऐसा ही होगा, जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको कहीं लोगों की ना सुननी पड़ेगी, कहीं लोग आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे, मगर आपको नकारात्मक नहीं होना, नेगेटिव नहीं होना है। आपको अपना लक्ष्य लेकर के उस लक्ष्य की तरफ आपको कदम बढ़ाना है। एक दिन मैंने लिया था निर्णय, आम व्यक्ति बनकर मुझको नहीं मरना, नाच कर सके दुनिया मुझ पर ऐसा काम मुझे है करना। एक अवसर को उम्मीद बनाकर निकल चला विजय पथ पर, ताने सुने व्यंग्य सुने पर चलता रहा मैं हिम्मत कर। कभी थी जीत तो कभी थी निराशा, पर मैंने छोड़ी नहीं थी आशा। देखो मंजिल पास बुला रही है, देता रहा मैं खुद को दिलासा। देखो मंजिल पास बुला रही है, देता रहा मैं खुद को दिलासा। धन मित्र व सुविधाएं आई, वक्त थोड़ा लगा जरूर, बिना दम के डटा रहा, हो गया मैं सफल मशहूर। दोस्तों ये जो कविता है, ये मान के चलिए आपकी सभी की जिंदगी पे आधारित कविता है। अगर आप इस कविता के अंदर आप देखेंगे तो ये जो दौर मेरा था, जो जिंदगी मेरी चल रही थी, ऐसी ही जिंदगी आप लोगों की भी चल रही है, आप लोगों के जीवन में भी यही दौर चल रहा है। मगर वास्तव में सच्चाई ये है दोस्तों कि अगर वास्तव में आप अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं, अगर अपने आप को आप कामयाब बनाना चाहते हैं, तो आप बड़े विश्वास के साथ, बड़े दृढ़ संकल्प के साथ आप इस विजय में आप टिके रहें। मेरा आपसे वादा है, आप 2 साल इस कंपनी को दीजिए। जैसे वो सुभाष चंद्र बोस का नारा था ना कि तुम मुझे खून दो मैं आपको आजादी दूंगा। दोस्तों आज से बीजीएम आपको एक नारा देके दे रही है, आप अपने जीवन के 2 साल अमूल्य आप इस बीजीएम को दीजिए, आने वाले वक्त में ये बीजीएम आपको पूरी जिंदगी भर की आर्थिक आजादी आपको देके जाएगी। ऐसा विश्वास मेरा है और इस विश्वास के ऊपर मुझे पता है कि आप जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पे पूर्ण विश्वास के साथ इस कंपनी में आप काम करेंगे और इस कंपनी को उन बुलंदियों तक आप पहुंचाएंगे जिसकी आप सोच रख के चलते हैं। और मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपनी बात को यही विराम देते हुए, क्यों जमीन पर बैठ करके आसमान देखता है, क्यों जमीन पर बैठ करके आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जय हिंद, जय बीजीएम, जय भारत। तो दोस्तों इस क्रम में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के मैं बुलाना चाहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के जितने भी आज तक 250-300 लीड बड़े बड़े डायमंड बने हैं। मैंने कल कहा था ना, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सैकड़ों लोगों को करोड़पति बना दिया, लोग खुद ही बनने के पीछे घूमते रहते हैं, वो बना रहे हैं। सही है। तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आएंगी जिन्होंने सैकड़ों लोगों को करोड़पति बनाया, और कल भी मैंने उनके लिए वही बात कही थी और आज फिर मैं रिपीट करूंगा वही बात कि उनका लगातार एक ही कहना है दम है जोश है जुनून जगाने वाला चाहिए, है दम है जोश है जुनून जगाने वाला चाहिए, और पैसा तो बिखरा पड़ा है रोड पे, उठाने वाला चाहिए।